समय ये हालत थी, सच्चाई बता रहा हूँ, एक समय मेरी ये हालत थी कि मैं मनाता था कि आज कोचिंग जाते वक्त मेरी स्प्लेंडर का पेट्रोल ना खत्म हो जाए। आज कोचिंग जाते वक्त जो मेरी स्प्लेंडर गाड़ी है उसका पेट्रोल ना खत्म हो जाए। और तुमको मैं वाकई सच्चाई बताऊं, ये बात 2014 या 2015 की होगी कि मेरी स्प्लेंडर थी भी नहीं, वो मेरे कोचिंग में मेरे पार्टनर की स्प्लेंडर थी। मैं तो ऑटो से जाता था कोचिंग में, तो उसने अपनी स्प्लेंडर मेरे को दे रखी थी, उन्होंने, आज भी अच्छे से उनकी स्प्लेंडर से जाता था और बताता था रास्ते में आज पेट्रोल लग खत्म हो जाए इस गाड़ी में। पढ़ाई करो, मेहनत करो, एक दिशा में लगकर जीवन में जितनी दिक्कतें हैं, जितनी कठिनाई हैं, जितना दर्द है, उन सब का सलूशन है मेहनत। एकदम धुआंधार मेहनत, अपने को रगड़ दो, एकदम एकदम घिस दो अपने आप को, तब वहां पहुंचोगे, और वहां पहुंच के तब आएगा फील। यार मेरी एक समय ये हालत थी, सच्चाई बता रहा हूँ, एक समय मेरी ये हालत थी कि मैं मनाता था कि आज कोचिंग जाते वक्त मेरी स्प्लेंडर का पेट्रोल ना खत्म हो जाए। आज कोचिंग जाते वक्त जो मेरी स्प्लेंडर गाड़ी है उसका पेट्रोल ना खत्म हो जाए। और तुमको मैं वाकई सच्चाई बताऊं, ये बात 2014 या 2015 की होगी कि मेरी स्प्लेंडर थी भी नहीं, वो मेरे कोचिंग में मेरे पार्टनर की स्प्लेंडर थी। मैं तो ऑटो से जाता था कोचिंग में, तो उसने अपनी स्प्लेंडर मेरे को दे रखी थी, उन्होंने, आज भी अच्छे से उनकी स्प्लेंडर से जाता था और बताता था रास्ते में आज पेट्रोल ना खत्म हो जाए इस गाड़ी में। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, बस रगड़ना पड़ेगा, बहुत चमके रगड़ना पड़ेगा, बहुत ही चमके, हल्के वाला नहीं, वरना चमकेगा नहीं। फिर अगर चमकना है एकदम लास्ट वाला, एकदम चमक चाहिए ना लाइफ में, वो फील चाहिए, जो तुम्हारा ड्रीम है उस ड्रीम को ऐसा ड्रीम बनाओ जो देखने में लगे कि पूरा नहीं हो सकता, और फिर उसके लिए मेहनत करो कि उसको पूरा करना। अपना ड्रीम जब लोगों को बताओ, लोग तुम पे बिलीव ना करें, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा दें, तब तुम सोचो कि तुम अच्छा ड्रीम सोच रहे हो। अगर तुम छोटी मोटी बात कर रहे हो कि ऐसे कर लेंगे, हम भी ऐसे ही थे, सब ऐसे ही होते हैं कि एक नॉर्मल सैलरी मिलेगी, जॉब मिल जाएगी, लाइफ चलेगी, बढ़िया लाइफ होगी, सही होगी, बट मैं पागल बना था, मेरे अंदर बहुत ज्यादा पागल बना, कोचिंग टाइम से, कॉलेज टाइम से, मेरा स्कूल तक नहीं था इतना पागल बना, स्कूल तक मैं ठीक था, मेरा पागल बना चढ़ गया स्कूल में, मेरा टेंथ के बाद स्टार्ट हुआ थोड़ा पागल बना, मैं पागल बना, तो पागल बना होना बहुत, जब लोग बोले ना पागल हो एकदम, मेरे बोले बहुत कमेंट आते हैं पागल टीचर कैसे पढ़ाता है, बहुत जरूरी होता है वो पैशन होता है आपका, एकदम पागल बना होना चाहिए। अब तुम अपना जब किसी को, मैं जब कोचिंग पढ़ाता था, तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम इसके लिए तुमको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा और पुरानी चीजें निकालनी पड़ेगी 8-10 साल की। बेटा आप लोग जा सकते हैं, क्लास खत्म हो गई, जो इंटरेस्टेड है वो रुके, बातें करते कुछ आपको एक इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल एक बात बता रहा था कि आप विश्वास नहीं करोगे कि जब मैंने कोचिंग पढ़ा रहा था, तो 2014-2015 की बात कर रहा हूं मैं, तब मैंने वहां पे नाम रखा था फिजिक्स वाला, तब वाला में डबल एल नहीं था, फिजिक्स PHYSYCSWALA, और इसका एक फेसबुक पेज है और उसमें मैं तब मीम्स बनाता था, 2015 में मैं मीम बना रहा था, मैं चार्ट पेपर लेके आया, मैं बता रहा हूं, मतलब मैं उस टाइम भी इतना ही पैशनेट था, मैं चार्ट पेपर लेके आया, उसमें मैंने एक लंबी सी बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग से एक इंसान को ऊपर से कुदाया और उस इंसान का नाम था PW, मैंने उस इंसान को PW बनाया और उसको कुदा दिया और उसके हाथ में दे दिया एक सैमसंग का टैबलेट, क्योंकि उस टाइम मेरे पास सैमसंग का टैबलेट मैंने नया नया खरीदा था, कोचिंग नई नई ज्वाइन की थी तो पढ़ाना रहता था, तो सैमसंग का टैबलेट में सब कुछ रहता था, मटेरियल वगैरह, मतलब तब से मैं इस चीज को चेस करा, तब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे कोचिंग में, बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, ये क्या है फिजिक्स वाला, ऐसा लग रहा है चाय वाला हो, जैसे सब्जी वाला हो, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ा, एक कैप्टन वर्किंग इट, ठान लो तो ठान लो कि करेंगे, यही दुनिया हंस रही हंसे, ठान लो तो ठान लो, मैंने कभी ये ठाना था कि इसको मैं बना के रहूंगा, मैं फेसबुक पे पेज बनाया नया नया शौक चढ़ा, सबको देखा, मैंने कहा मैं भी बना के हिट हो जाऊंगा, पेज बना के नहीं हिट हुआ भाई, रात रात जग के मैंने चार्ट पेपर पर ड्रॉइंग बना के कलर करके वो बिल्डिंग बनाई, मतलब मैंने इस तरह से कई, फिर क्वेश्चंस डालना स्टार्ट किए, फिर मीम डालना स्टार्ट किए, फिर कंपटीशन चलाना स्टार्ट किया फेसबुक पे कि ये जो जीतेगा उसको मैं 100 रुपए दूंगा, उसको मैं सेल्फी स्टिक दूंगा, मैं रिचार्ज कर दूंगा, सब किया, सब रगड़ा, किसी को नहीं दिख रहा था, किसी को नहीं दिख रहा था कि फिजिक्स वाला कौन है क्या है, किसी कुछ नहीं पता था उस समय में, पर मैं लगा हुआ था, मैंने गिव अप नहीं किया, वो फेसबुक पेज मेरा फ्लॉप हुआ, यूट्यूब पे चैनल बनाया, 2015 में वीडियो डाले नहीं चला, 16 में डाले नहीं चला, 17 में लग गया कि भाई अब तो चला के रहेंगे, एक वीडियो रोज का डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, एक साल बीतने के बाद मात्र 10,000 सब्सक्राइबर आए थे, एक साल कंटिन्यूअस वीडियो डालने पे 10,000 सब्सक्राइबर मिले थे मुझको,
एक साल कंटिन्यूअस वीडियो डालने पे, और रुपए मिला था एक साल खत्म होने के बाद 8,000 रुपए यूट्यूब से। पहली जो इनकम आई थी यूट्यूब से एक कंप्लीट साल पढ़ाने के बाद आई थी, शायद 2017 के जैन में शायद पहली रेवेन्यू है। ये टाइम लगा, पर इस टाइम में मैंने गिव अप नहीं किया। मेरी कोचिंग बहुत बढ़िया चल रही थी 2015 में, तो मैंने बताई हालत की स्प्लेंडर की, ये हाल थी ठीक है। पर 2015 से आते आते आगे आते आते 2017 तक कोचिंग की हालत बहुत बढ़िया हो गई थी, है ना भाई। पढ़ाते पढ़ाते वहां भी सही चल रहा था, सब मैटर अच्छा हो गया था, बढ़िया पैसा कमा रहे थे, अच्छी सैलरी थी, सैलरी कह लो, पार्टनरशिप कह लो, जो भी कह लो, बढ़िया पैसा था मेरे पास। और एकदम जब सब सही चल रहा था ना कोचिंग में, सब मेरा स्टेबल हो गया था, तब मेरे अंदर पागलपना फिर से चढ़ा। मैंने कहा उसको भी छोड़ दिया, मेरे पास कोई दूसरी जॉब नहीं थी, मेरे पास कोई दूसरी जॉब नहीं थी। मतलब मेरे फादर मुझसे कह रहे थे कि तुम मेरे को पहले इंसान ऐसे दिखे हो जो दूसरी नौकरी मिलने से पहले पहली नौकरी छोड़ दिया, ऐसा तो कोई नहीं करता। पर मेरे अंदर पागलपना था, नहीं यार कुछ करके दिखाना है, लगे रहे। अभी भी कुछ हुआ नहीं, आज भी हालत वही है, पैर अभी भी इधर लटका है, हाथ उधर लटका है, आज लोग फिजिक्स वाला को जाने, बट हाल वही है मेरी लाइफ का, मेरे रूम की हालत वही है, आज भी लाइफ में वही स्ट्रगल चल रहा है, आज भी मैं वैसे ही खुद को रगड़ रहा हूं। अभी वी हैव नॉट मेक इट, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने कर लिया है, मैं बता रहा हूं कि लगा रहा ठान लिया तो करके रहना है। ये आपको एटीट्यूड लाना पड़ेगा अगर आपको वो सच में चाहिए जो आप सोच रहे हो, सच में अगर वहां पहुंचना है। अगर आप सिर्फ बातें करते हो लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, मैं ये करना चाहता हूं, काश ऐसा हो जाता लाइफ में, मजा आ जाता अगर लाइफ ऐसी हो जाती, और उसके लिए आप मेहनत इतनी सी करते, सपना इतना बड़ा देखते, उसके लिए मेहनत इतनी सी आप कर रहे हो, तब वो नहीं होगा बच्चा। हम में से हर कोई, टैलेंटेड है, हम में से हर कोई टैलेंटेड है, घिसना पड़ता है यार, कोई पैदा नहीं होता ना, कहते हैं क्या बोलते हैं सर, आपके पास तो इनबॉर्न टैलेंट है, किसी के पास इनबॉर्न नहीं होता, इनबॉर्न टैलेंट डेवलप करता है इंसान अपनी सराउंडिंग से, अपनी सोच से, अपने इंटरेस्ट से, अपनी हॉबी से, इन सब से डेवलप करता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ हॉबी इवन, शायद आपके पास कोई हॉबी ना हो। मेरे पास हॉबी थी ड्रामेटिक्स एक टाइम पे, अब मेरे पास ड्रामेटिक्स मेरे को नहीं मिलता तो मैं इसी लेक्चर के बीच में अपने ड्रामेटिक्स भी खेल लेता हूं जहां मजा मिलता है। तो ये जो बोलते हो ना कि बॉर्न इनबॉर्न टैलेंट, ये सब नहीं होता यार। इनबॉर्न कोई टैलेंटेड है, कोई गाता अच्छा, बेटा वो मेहनत करता है, रियाज करता है, 12-12 घंटे बैठ के वो रियाज कर रहा है, तब उसकी वो आवाज में वो निखार आता है। वो तो तेज है सर, मैं तो धीमा हूं। अरे कितना साल हुआ अभी, तो कितने साल का है, 18 साल का है, उसने मैक्स टू मैक्स से 10 साल ज्यादा पढ़ाई की होगी, तो यहां से लाइफ में 10 साल मेहनत कर ले, काम बन जाए। तू 10 साल उससे दुगनी मेहनत कर, तिगनी मेहनत कर, काम बन जाएगा। कोई आगे पीछे नहीं हुआ है, सबकी अपनी टाइमलाइन है, सबकी अपनी टाइमलाइन है। अपना फ्यूचर देखो, ये मत देखो वो कहां है, रिलेटिव वेलोसिटी है भाई साहब, सब रिलेटिव वेलोसिटी खेलो, बहुत तेज लग रहा है ना तो अपनी स्पीड बढ़ाओगे, रिलेटिव वेलोसिटी से एक टाइम ऐसा आएगा जब डेल्टा एस को तुम जीरो करोगे, उसके बाद डेल्टा एस तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। अभी डेल्टा एस नेगेटिव है ना, तुमको लग रहा है रेस में सबसे पीछे हो, बट उसके लिए बेटा तुमको एक्सेलरेटेड मोशन चाहिए होगा। अभी आप रिटार्डेड मोशन से चल रहे हो, वेलोसिटी नीचे गिरती जा रही है। यही सब कुछ बातें जो मेरे दिल में आती है। मैं आज भी वैसे ही पागलों की जैसी मेहनत कर रहा हूं लाइफ में, आज भी मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया अभी।